राजा का शाही घोड़ा घुड़साल से छुटकर जंगल में भाग आया और सीधा पहुंचा जंगल के राजा शेर के पास। उसने शेर से जंगल में रहने की परमिशन मांगी। शेर ने घोड़े की साज सज्जा देखकर उससे कहा कि वो जंगल में तो रह सकता है, लेकिन उसे रोज मुझे अपनी बग्घी में बैठा कर जंगल की सैर करानी होगी। घोड़ा मान गया तो शेर भी तुरंत बग्घी में बैठ गया और घोड़ा उसे लेकर चल दिया। घोड़ा शेर को लेकर जंगल में घूम ही रहा था कि उधर महाराज के सैनिक भी शाही घोड़े को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गए। थोड़ी ही देर में सैनिकों ने शाही घोड़े को ढूंढ लिया और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पास गया तो बग्घी में शेर को बैठा देखकर वापस भाग आया। सैनिकों को देखकर शाही घोड़े ने भागना ही उचित समझा और भाग लिया। सैनिक उसके पीछे भाग लिए, तथी एक सैनिक ने गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उसने बग्घी से छलांग लगा दी और सैनिकों पर हमला कर दिया। शेर को देखकर एक घोड़ा डर गया और उसका सैनिक गिर गया और शेर ने सैनिक को खा लिया।